बहुत खूबसूरत। पता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और तब से मैं बस इस रात का इंतजार कर रहा था। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। जाता है क्या? बिल्कुल जानवर की तरह। इसे तो प्यार कहते हैं बेबी। इसे प्यार बोलते हो आप? ये प्यार नहीं, रेप होता है। Come on बेबी, तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है मैंने पॉर्न देखी है, और पॉर्न में ऐसा हार्डकोर सेक्स होता है। Come on बेबी, let's do it। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? क्या हो श्रेया, कहाँ जा रही हो? अपने घर। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे ये तक नहीं पता अपनी वाइफ के साथ बेड पर कैसे प्यार किया जाता है। जानू, धीरे धीरे सीख लूंगा ना। तुम जंगली हो, जंगली। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई नीड अ डिवोर्स। श्रेया, रुको श्रेया, मेरी बात सुनो श्रेया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई नीड अ डिवोर्स। हेलो मुकेश। कॉफी रिलैक्स। अबे सस्ती पोर्न वीडियो देखेगा तो यही सब सीखेगा ना? तो क्या करूं, इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस तो आते हैं। बस सेक्स देख कर नहीं, करके सीखने वाली चीज होती है। बट तुम्हें तो शुरू से ही वर्जिनिटी का भूत सवार था, तो लो भुगतो। यार मैं हमेशा से अपनी वाइफ को अपनी वर्जिनिटी गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए तो इतने सालों से संभाल कर रखी है यार। वर्जिनिटी है तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री नहीं, जिसे संभाल कर रखा जाए। देखो तो वर्जिनिटी गाड़ी की तरह होती है, जितना घिसोगे ना उतना ही हाथ साफ होता है, और हर बार में ना एक नया फीचर भी पता चलता है। तो क्या करूं, मैं फर्स्ट नाइट पर श्रेया के सामने ना इंप्रेशन जमाना चाहता हूँ। रोमांटिक सेक्सी मर्द वाला यार, प्लीज यार, प्लीज कुछ कर दे। शादी के लिए एक हफ्ता रह गया है यार, प्लीज। तेरा फोन दे। ये लव गुरु है, पूरे यूपी में बवाल काट रखा है। कितने लौंडों की तो लाइफ बन गई है इसकी ट्रेनिंग लेकर। भाई तेरी समस्या का भी समाधान ना यहीं पर मिलेगा। तो मैं अभी चला जाता हूँ, बताना कहाँ जाना है। लव गुरु है, कोई कोठा नहीं कि कोई भी आया और शुरू हो गया। तो फिर पहले तुम्हारी मैं डिटेल्स इन्हें भेजता हूँ, अगर इन्हें तुम्हारा केस जेन्युइन लगा तो ये अप्रूवल देंगे, नहीं तो नहीं। भाई बधाई हो, लव गुरु ने अप्रूवल कर दिया है, परसों की अपॉइंटमेंट मिली है तुझे। बस एक काम कर, पेमेंट कर और चला जा, क्योंकि जो लव गुरु के पास एक बार गया ना, समझो तर गया। Thank you.
इस घबराहट को संभाल के रखो। शरीर जितना घबराया हो उतना नाजुक बन जाता है, तब एक बूंद भी उसको भिगो देती है और आहिस्ता आहिस्ता घबराहट राहत में बदल जाती है। आप कौन हो? मैं मुझे तुम जो चाहो बुला लो, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी गाइड, टीचर या सिर्फ एक परछाई। अरे परछाई है तो फिर जिसमें भी तो होगा, सामने क्यों नहीं आती? अच्छा बहुत जल्दी है मुझसे मिलने की, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। चेहरा दिखाओ ना अपना। ये मर्द इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? भूख में इतने अंधे हो जाते हैं, जायका ही नहीं ले पाते किसी भी चीज का। इसलिए तो तुम्हें और ज्यादा जरूरत है इत्मीनान की। ये काम क्रिया का सफर बहुत दिलचस्प होता है, इसमें जितना धीमे चलोगे उतना दूर तक जाओगे। जाओ, जाकर बैठ जाओ। ये है तुम्हारी ट्रेनर। अब अपना दिल, दिमाग और शरीर इसके हवाले कर दो। अपनी नजरों को इस जिस्म पर बिछा दो। एक औरत का जिस्म रहस्यों का खजाना है और तुम्हें एक एक करके उनसे पर्दा उठाना है। इन आंखों के अंदर बहती आग को देखो, गालों से छलकते अंगारे जो जाकर बर्फ से होठों पर बैठी तमन्नाओं को पिघला रहे हैं। शोर महसूस करो इन तमन्नाओं का, कितना कुछ चाहते ये होठ तुमसे, अपने लबों से पियो इन रसीली ख्वाहिशों को। एक एक कतरा तमन्ना सिर्फ तुम्हारे लिए, इन प्यासे लबों को तुम्हारे लबों का स्पर्श पाने के लिए। फूल से जिस्म को तुम्हें मसलना नहीं है, बल्कि एक एक पत्ती की खुशबू को अपने जिस्म में उतार लेना है।
ये बदन एक तपता रेगिस्तान और तुम वो घना काला बादल हो जो इसकी बरसों की प्यास बुझा सकता है। ले लो इसे अपनी आगोश में और हल्के हल्के इश्क बरसाओ। तिटकत कदि घन धा धिंधा तिटकत कदि घन। यहाँ जितना वक्त दोगे उतना ही ज्यादा अपने इरादों में और सख्त होगे। आराम से आराम से, अभी बुझना नहीं है, अभी तो और जलना है और पिघलना है। थोड़ा सब्र करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे बर्फ के पहाड़ से फौलता हुआ लावा लिपटकर उसे पानी पानी कर रहा। कहाँ चली गई यार? क्या यार, मैंने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। मैं भी ना नाम तुम्हें जो पसंद हो रख लो। एक काम कर, उसे अपनी होने वाली बीवी का नाम दे दो ताकि जब भी उसे पुकारो ये रात फिर से जाग जाए। क्या आइडिया है लव गुरु। आपको पता है कल रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। अरे इतना कुछ तो मैंने लाइफ में नहीं सीखा है। जाते जाते सबसे जरूरी बात, ये शरीर सेक्स करने का सिर्फ एक जरिया है। सारा खेल तो दिमाग का है। इस पर काबू पा लिया तो हर रात ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार होगी। लव गुरु, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते प्लीज अपना चेहरा तो दिखा जाओ। नादान, कहा था ना परछाई हूँ और परछाई कोई सूरत नहीं होती। तुम्हारा सेशन अब खत्म। बाय बाय। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि एक इंसान को सबसे ज्यादा खुश एक दूसरा जिस्म कर सकता है। अफसोस ये है कि लाखों लोग इस सुख से वंचित हैं। अपने फोन में मुझे जगह दीजिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। I'm waiting.
था।